हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैगी की एक बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी लाई हूँ। आप इसको एज ए स्नैक सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है, आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ मैगी का 3 पैकेट लिया गया है, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। और थोड़ा हमने टोमेटो काट के रखा है, यहाँ कैप्सिकम है, यहाँ थोड़ा ग्रेटेड किया हुआ गाजर है और थोड़ा मिर्ची है, हरा मिर्च जो कटा हुआ है। सबसे पहले एक मैगी को आपको ग्राइंड करना है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से ग्राइंड होगा, ज़्यादा फाइनली ग्राइंड नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा ग्राइंड होगा। और बाकी 2 मैगी हम बॉयल कर लेंगे। अब इसको छान लेंगे। अब हम पैन को गरम करेंगे और उसमें थोड़ा सा हम जस्ट एक ड्रॉप ऑयल डालेंगे। देखिए बस इतना ही ऑयल डालना है और इसको पूरे पैन में हम फैला लेंगे। अब एक एक करके सारे वेजिटेबल्स को हम डाल देंगे। यहाँ ग्रेट किया हुआ गाजर है, कैप्सिकम है, टमेटो है, सबको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और ये हरा मिर्च भी हम डाल दिए हैं इसमें, सबको एक साथ फ्राई कर लेंगे। अब हम वो बॉईल किया हुआ मैगी डाल देंगे और सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा रोस्ट किया हुआ पीनट्स हम डाल देंगे इसमें। अब एक मैगी मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस एक मैगी मसाला के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हो गया, अब इसको निकाल लेंगे। अब डो बनाने के लिए यहाँ पे 1 कप मैदा लिया गया है और इसमें थोड़ा तेल डालेंगे हम और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने क्वांटिटी के हिसाब से लिया है, आप चाहो तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हो। इस तरह से डो बना लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे। देखिए ये हमारा आटा रेडी हो गया है। अब इसका हम लोई काट लेंगे एक एक करके। अब इसको बेल लेंगे, इसको बहुत ही पतला बेलना है। देखिए देखिए इस तरह इसको पतला बेलना है। अब एक बोल में हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, आप चाहो तो मैदा ले सकते हो अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो। और थोड़ा हम पानी मिलाएंगे इसमें और इसका एक बैटर बना लेंगे। यहाँ पे आप 1 का भी यूज़ कर सकते हो। और एक एक हम पैटी लेंगे इसमें और थोड़ा हम इसमें मैगी डालेंगे। अब इसको अच्छे से चिपका लेंगे वो कॉर्नफ्लावर की हेल्प से। आप पानी से भी चिपका सकते हो, ये आपकी चॉइस है। देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब उसी कॉर्नफ्लावर के बैटर में हम इसको डुबो लेंगे और जो मैगी का क्रम्स हमने बना के रखा था उसमें उसको हम इस पे चिपका देंगे और फ्राई कर लेंगे।
इस तरह की चीज़ों को हमेशा लो फ्लेम में फ्राई करना चाहिए। देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही बाकी पॉकेट्स फ्राई कर लेंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स है और बहुत अच्छा भी लगता है, और बच्चों को तो खास करके बहुत पसंद आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना।